दोस्तों आज हम आपको 2015 में रिलीज हुई टॉलीवुड की एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो बनी तो केवल 180 करोड़ के बजट में थी, लेकिन 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 इसने बॉक्स ऑफिस पर 680 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाहुबली की। जब बात बाहुबली की हो रही हो तो हम आपको बताते चलें कि इसी साल 2023 में बाहुबली 3 भी रिलीज होगी और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बाहुबली मूवी के बिहाइंड द सीन के बारे में। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी तो जाकर आपको मालूम चलेगा कि बाहुबली मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी। दोस्तों आपको बाहुबली मूवी के वॉटरफॉल वाला सीन तो याद हो गई ना यार, इतना बढ़िया सीन था, कैसे भूल सकते हैं आप। आपको बताते दोस्तों कि ये वॉटरफॉल एथिरपैली वॉटरफॉल है जो कि केरला में स्थित है। इस मूवी में इस वॉटरफॉल पर बर्फ भी दिखाई देती है लेकिन वो एक्चुअली में होती नहीं है, इसको CGI के थ्रू क्रिएट किया गया था। और साथ ही जब इस वॉटरफॉल पर शूटिंग हो रही थी तभी बारिश भी आ गई थी जिसके चलते शूटिंग रुक गई थी, जिसका बिहाइंड द सीन आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे बारिश की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। वहीं दोस्तों आपको इस मूवी का वो सीन तो याद होगा ना जब प्रभास रस्सी से होते हुए पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और हमें देखकर बड़ा मजा आता है। आपको बता दें कि इस वाले सीन को शूट करने के लिए प्रभास सर को काफी मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। पहले तो इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनर से लगभग 15 दिन तक हिल क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ली और इसके बाद काफी प्रैक्टिस करने के बाद इस वाले सीन की परफेक्टली शूटिंग हो पाई थी, जिसका बिहाइंड द सीन आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मूवी में बहुत सारे सीन की शूटिंग ग्रीन्स और ब्लू स्क्रीन का यूज करके की गई थी और बाद में उनके बैकग्राउंड को CGI की हेल्प से रिप्लेस कर दिया गया था ताकि सीन को परफेक्टली लुक मिल पाए, जिसको आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब दोस्तों बाहुबली में एक महल दिखाया जाता है ना, बड़ा सा महल होता है, काफी बड़ा होता है, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा महल रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस महल का जितना पार्ट बनाना शूटिंग के लिए जरूरी था सिर्फ उतने को ही क्रिएट किया गया, बाकी का जितना पार्ट था उसको VFX के जरिए एंड CGI के हेल्प से क्रिएट किया गया था, जिसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। सही है ना दोस्तों। आपको इस मूवी का वो सीन तो याद होगा ना जब भलाल देव की शानदार एंट्री होती है और वो इस बड़े से बैल के साथ में शानदार फाइट करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भलाल देव वाकई में इस ताकतवर बैल के साथ लड़ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर एडवांस लेवल के CGI का यूज किया गया था। जी हाँ, यानी कि इस बैल को कंप्यूटर से जनरेट किया गया था और साथ ही इस पूरे सीन की शूटिंग ग्रीन बैकग्राउंड से की गई थी ताकि बाद में उसके बैकग्राउंड को CGI से रिप्लेस किया जा सके। जब भलाल देव बैल से लड़ रहे होते हैं तो वो बैल को नीचे गिरा देते हैं, तब ग्रीन कलर के कपड़े पहना हुआ बंदा एक्सेल में नीचे गिरता है और फिर उसको CGI की हेल्प से बैल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। इसके अलावा इस बैल को एक्शन और मूवमेंट के साथ दिखाने के लिए एनिमेशन का यूज किया गया था। अब दोस्तों आपको इस मूवी में वो सीन तो याद होगा ना जब प्रभास एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के लिए माउंटेन से एक लंबी छलांग लगाते हैं। दरअसल इस वाले सीन की शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी के अंदर बने VFX स्टूडियो में हुई थी और इस वाले सीन में जितने भी एक्शन और सीक्वेंस शूट हुए थे वो सभी ग्रीन बैकग्राउंड और ब्लू बैकग्राउंड के साथ में कंप्लीट किए गए, जिसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। इसके अलावा जब प्रभास एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कूदे थे तब भी फिल्म मेकर ने उनको ग्रीन स्क्रीन से ही एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जंप कराया था। साथ ही उनको एक रस्सी से सपोर्ट भी दिया गया था जिससे वो आसानी से एक्शन को परफॉर्म कर सकें, इसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बाहुबली द बिगिनिंग मूवी का सबसे पावरफुल सीन तो याद ही होगा ना, अरे वही वाला सीन यार जब प्रभास सर शिवलिंग को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये शिवलिंग पत्थर की नहीं बल्कि एक हल्की मटेरियल से बनाई गई थी जिसको उठाने में आसानी हो, तो देखने में ऐसा लगता है कि वाह क्या कमाल कर दिया प्रभास जी ने, है ना। लेकिन आपको बता दें कि इस वाले सीन को शूट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से फिल्म के डायरेक्टर एक्टर को सही से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे थे, लेकिन हाँ जैसे तैसे करके इस वाले सीन को शूट किया गया जिसका बिहाइंड द सीन आप देख ही सकते हैं। आपको बता दें कि इस वाले सीन की शूटिंग केरला के वाझाचल वॉटरफॉल में हुई थी और जो देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस मूवी में वो सीन तो याद ही होगा ना जब बाहुबली और कटप्पा की लड़ाई होती है। दरअसल इस वाले सीन में भी भरपूर CGI और VFX का यूज किया गया था। इसके अलावा इस मूवी में यहीं पर एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है जब बाहुबली कटप्पा के सर पर पैर रख देते हैं। इस वाले सीन को रियल में ऐसे ही शूट किया गया था, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि इस वाली मूवी में भलाल देव की एक बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देती है
लेकिन उसको बनाने के लिए किसी भी VFX या CGI का यूज नहीं किया गया था, बल्कि इस सीन को शूट करने के लिए एक्चुअल में इस बड़ी प्रतिमा को बनाया गया था। जी हाँ, आप इसको बनते हुए स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि मेटल से बनी हुई इस प्रतिमा को बनाने में काफी मेहनत लगी थी, क्योंकि ये काफी भारी थी और इसको खड़ा करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, इस मूवी में वो सीन भी दिखाया जाता है जब सेना के द्वारा गलती से बलाल देव की ये बड़ी सी प्रतिमा गिर जाती है, और इस वाले सीन की शूटिंग बहुत ही खतरनाक अंदाज में हुई थी। दरअसल इस वाले सीन को शूट करने के लिए रोलर से उस व्यक्ति को गुजारा गया था और उस रोलर को कुछ लोगों के द्वारा घुमाया भी जा रहा था। ये सीन वाकई में बहुत ही खतरनाक था, जिसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बाहुबली फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, बड़ी मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।